नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड और थर्ड यूनिट चल रही थी हम लोगों की शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण, शिक्षण क्या होता है? पढ़ाना। तो अब उसको किस प्रकार पढ़ाया जाता है, एक जो अध्यापक है वो किस प्रकार पढ़ाएगा, तो उसकी क्या अवस्थाएँ होती है? तो उसकी तीन अवस्थाएँ हैं, पूर्व क्रिया अवस्था या चरण, अंतः क्रिया अवस्था या चरण और उत्तर क्रिया चरण, मतलब कि पूर्व क्रिया चरण। पूर्व क्रिया चरण से क्या तात्पर्य है कि जो अध्यापक है, शिक्षक है, वो कक्षा में जाने से पहले किन किन कौन कौन सी तैयारी करेगा, वो जो पाठ्य वस्तु जो पढ़ाना जाएगा वो, तो उसके लिए वो क्या क्या तैयार करेगा, तो वो पूर्व क्रिया चरण के अंतर्गत आता है। तो पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। भाई अगर वो कोई कंटेंट पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, तो उसका क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर वो पढ़ना चाहता है, तो वो पूर्व में क्या करेगा, उन उद्देश्यों का निर्धारण करेगा। फिर है पाठ्य वस्तु संबंधी निर्णय। जो पाठ्य वस्तु वो पढ़ाने जा रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में निर्णय वो पूर्व में कर लेगा कि भाई मुझे ये ही पढ़ाना है। कक्षा में जाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि मुझे आज ये समझाते वक्त उसको कोई कठिनाई नहीं आए, यानी कि मुझे आज ये नहीं पढ़ाना वो पढ़ाना है, तो पहले निश्चित कर लेगा मुझे क्या पढ़ाना है वहाँ पर जाकर। फिर है प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध व्यवस्था। जो वो प्रस्तुतिकरण करेगा तो वो पूर्व में ही तैयारी करेगा कि मुझे किस प्रकार प्रस्तुतिकरण देना है, मेरा क्रम क्या होगा बताने का, बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ उसका क्रम क्या होगा, वो पूर्व ही निश्चित करेगा। फिर आता है शिक्षण व्यू रचनाओं संबंधी निर्णय। अब जो शिक्षा से संबंधित जो भी व्यू बनाता है वो, कि भाई पहले वो ना कुछ प्रश्न पूछेगा या उसके ऐसे वो पढ़ाएगा, उससे संबंधित वो शब्दार्थ वगैरह पूछेगा, जो पाठ्य योजना के जो बिंदु होते हैं उस जो व्यू रचना होती है, तो उसका वो निर्णय पहले ही कर लेगा, टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके बाद वो व्यू रचनाएँ बना लेगा। फिर आती है बात शिक्षण व्यू रचनाओं का वितरण। भाई अभी तो रचना है उसने पूर्व में क्या करी, बनाई है, अब उसका वितरण किस प्रकार करेगा वो, तो वो उसके अंतर्गत वितरण आता है। फिर बात आती है अंतः प्रक्रिया चरण की। अब ये जो बात है वो कक्षा के अंदर आने की बात है, जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश कर चुका है उसके बाद वो क्या क्या करेगा, कौन सी अवस्था है, अंतः प्रक्रिया चरण की अवस्था। अब इसमें कक्षा के आकार की अनुभूति। अब जो कक्षा में उसको पढ़ाना है तो भाई कक्षा का आकार देखेगा वो, आकार मीन्स वो साइज से नहीं, कक्षा में बच्चे बैठे हैं तो उसको किस प्रकार आवाज़ धीमी रखनी है, किस प्रकार तेज रखनी है ताकि बच्चों को समझ में आ सके, ठीक है, और जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस प्रकार की स्थिति। फिर है सीखने वालों का निदान। भाई जो सीख रहे हैं तो वो अध्यापक से, ये अनुभव प्रक्रिया चरण है, यानी कक्षा के अंदर की बात हो रही है, तो अध्यापक जो पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी उससे संबंधी, अगर उससे नहीं समझ में आएगा तो उससे संबंधी वो प्रश्न भी करेंगे, ठीक है, तो वो जो उनके प्रश्नों का वो निदान करेगा। फिर है क्रिया तथा प्रतिक्रिया। भाई बात है अंतः प्रक्रिया चरण की, तो वहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया होगी, शिक्षक कुछ कहेगा विद्यार्थी उस पर उत्तर देंगे, या फिर विद्यार्थी कुछ प्रश्न करेंगे और शिक्षक उसका उत्तर देने का प्रयास करेगा, इस प्रकार। अब अंतिम चरण है उत्तर क्रिया चरण। अब उसने पूर्व पाठ योजना बना भी लिए, कक्षा में जाके प्रस्तुत भी कर दिए, फिर बात आती है उत्तर क्रिया चरण, यानी कि अब जो उन्होंने पढ़ाया है क्या उससे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। शिक्षण किस लिए करवाया जा रहा है, बच्चों को व्यवहार में परिवर्तन के लिए करवाया जा रहा है, तो वो हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसकी बात है। तो उसके अंदर शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन, भाई जो शिक्षण करवाया गया है उससे बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो चीज़ वो निश्चित करेगा अध्यापक। तो मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियाँ। अब उसने ये तो निर्धारित कर लिया कि ये व्यवहार में परिवर्तन, उसने उद्देश्यों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लेकर आया, अब वो व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं आया है उसकी जांच किस प्रकार करेगा, तो वो होता है मूल्यांकन, तो मूल्यांकन के द्वारा वो जांच करेगा। फिर बात है प्राप्त साक्षियों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। अब प्राप्त साक्षियों मतलब कि उसने मूल्यांकन कर लिया, तो उसको पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको साक्ष्य मिल गए हैं कि भाई क्यों समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को, तो अब वो क्या करेगा, अपनी जो शिक्षण नीतियाँ हैं, बात शिक्षण की हो रही है, पढ़ाने की बात हो रही है, तो वो अपने शिक्षण में उसको क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। अगर कुछ विधियाँ अगर उसको ऐसा लग रहा है कि बच्चों को इस विधि समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी विधि में वो परिवर्तन लाएगा। तो ये हो गए शिक्षण की अवस्थाएँ। अब है नेक्स्ट टॉपिक अपना है शिक्षण के घटक। अब शिक्षण के घटक यानी कि शिक्षण
शिक्षण करवाया जा रहा है तो उसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, शिक्षण जब करवाते हैं तो वे किन किन की उपस्थिति होनी चाहिए और उनके उपस्थिति में भी कौन कौन से घटक उनको प्रभावित कर रहे हैं। तो पहला है शिक्षक। अब शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक की उपस्थिति होनी अनिवार्य है, यह आप लोग भी जानते हैं। तो शिक्षक, अगर शिक्षक स्वस्थ नहीं हो या फिर शिक्षक की पढ़ाने में रुचि नहीं हो तो ये शिक्षण को प्रभावित करता है, यानी कि शिक्षक की उपस्थिति होने पर भी उसकी मानसिक शारीरिक उपस्थिति होना आवश्यक है, अन्यथा वो शिक्षण को प्रभावित करेगा। फिर है शिक्षार्थी। एक बालक कक्षा में बैठे हैं लेकिन बालकों की पढ़ने की इच्छा नहीं है, बच्चे पढ़ रहे नहीं हैं, या फिर और भी कई बच्चों की घरेलू समस्या होती है उसके कारण बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो इस प्रकार की समस्या है वो भी शिक्षण को प्रभावित करती है। तो इसके अंतर्गत आप और भी समझ सकते हो, विद्यार्थी संबंधी जो भी उनको कठिनाइयाँ आ रही है वो भी इसमें ऐड हो सकती है। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री। अब जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, बच्चों को जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है यदि वो कठिन होगी या फिर वो अच्छी तरह से नहीं लिखी होगी तो इस प्रकार की अगर समस्याएं होगी तो बालकों को शिक्षण करने में कठिनाई उत्पन्न होगी और वो शिक्षण को प्रभावित करेंगे। वो टेक्स्ट बुक्स की भी हो सकती है अधिगम सामग्री में, या फिर विद्यालय से विद्यालय के अंतर्गत जो व्यवस्था होती है अगर शिक्षण अधिगम सामग्री तो उससे संबंधित भी हो सकती है। फिर लास्ट आता है कक्षा का वातावरण। अब सब कुछ सही है लेकिन कक्षा का वातावरण, कक्षा में अगर अध्यापक आ रहे हैं, बच्चे ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि वो उन्हें पढ़ाने नहीं देते हैं, या फिर आसपास का माहौल ऐसा है जो विद्यालय है भाई शहर के अंदर स्थित है, आसपास कोलाहल की स्थिति है, तो वो भी कक्षा के वातावरण को गंदा करता है या फिर कक्षा में ऐसी शिक्षण कार्य को बाधित करता है। तो ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले घटक। और लास्ट में अपना है गृह कार्य। शिक्षण की अवस्थाओं को समझाते हुए, शिक्षण की अवस्थाओं को समझाते हुए इसको प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन करें। शिक्षण की अवस्थाओं को समझाते हुए इसको प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन करें। ये प्रश्न 2016 और 2019 में आ चुका है।